परेशानी है कि मजदूरी कर लिंगा है नरेगा में काम किनगा, पैसा आज तक नहीं मिला है साहब भुगतान। और फिर जो प्रधान से कहा तो उन्होंने कहते हैं हम काम ही नहीं करावा है, तो साहब कहाँ चले जाओ, जब मजदूरी हम लोग लेके आई घरे बच्चन का खवाई दी, दूसरे से ले लीन जाते उनका दे नहीं पावा जाता है, मजदूरी पैते नहीं तो कहा दे दी लेके। और कितने लोगों ने मजदूरी किया है? 60-60 आदमी हम सब साहब की नहीं। और कितने दिन की मजदूरी रुकी है? भाई 8-8 मतलब बस तो काम किया 8 महीना होएगा, लेकिन कोई के 3-3 महीना काम बराबर चला है। उनका पैसा नहीं मिला है? कोई के नहीं मिला, वही मिला हुई तो कोई के एक किस्त मिल गया 900 रुपया, कोई के 600 रुपया बस। कहाँ का आपने एप्लीकेशन दिया है? अब एप्लीकेशन कुछ आदमी हमरे में के गए रहे हैं, हमारे डीएमओ साहब के यहाँ गए हैं, ब्लॉक भी गए हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लोग कहें कि एक हफ्ते के बाद पैसा आ जाए, आज तक कोई सुनवाई साहब कामों के निकल हम मजदूरी मरेगा में तो कोई पैसों नहीं मिला है। 7 महीना लगभग हो गए, 12 नवंबर से 4 जनवरी तक काम के निकल रहा है। जनपद श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक के नकहा धर्म नगर गाँव में पिछले 8 माह से मनरेगा का भुगतान रुका हुआ था, जिसका हमने 6 माह पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक करते हुए सहयोग से बदलाव ला पाया। मैं रईस अहमद और ये है मेरा समुदाय। वीडियो फिर बनाई, वीडियो लाए हैं गांव में सबका दिखाई नहीं, उसके बाद वीडियो देख करके पैसा भुगतान हुआ सबका, हम लोग खुश हैं रईस को देख कर। रईस भाई के बहुत भारी मेहरबानी है, रईस अगर ना आई थी तो हम लोग को पैसा यहाँ भुगतान ना हो पाओ पिछला, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं रईस भाई के ऊपर। कितने लोगों का पैसा था? कम से कम 60-65 आदमी का पैसा था, 3-4 लाख 3 लाख रुपये लमसम था। मिला कितने लोग? आधे से सबको मिल गया पैसा, पूरा भुगतान हो गया। ब्लॉक कितने लोग गए थे? ब्लॉक गए हैं 20-25 आदमी लमसम गए हैं साथ में सब। तो रईस भाई यहाँ पर आए और वीडियो बनाया, और फिर वीडियो बनाने के बाद कैसेट बनाई गई, और फिर हम लोग को ब्लॉक ले गए, पैसा हम लोगों का परमिट हुआ, हम लोग रईस भाई पर खुश हैं।